News 18, India. अखाड़ा में आज इस वक्त सबसे बड़ी खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें तीन बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, ममता बनर्जी का कहना है कि उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया, इसलिए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। दूसरी बात, ममता ने जो भी प्रस्ताव दिए गठबंधन ने उसे ठुकरा दिए। तीसरी बात, ममता का कहना है कि गठबंधन की बैठक में सीपीएम की चलती रही, सीपीएम बैठक को मैनेज कर रही थी। ममता का कहना है कि वो 34 साल तक सीपीएम से लड़ी है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका ऐसा देखा जा रहा है। कांग्रेस अकेले 300 सीटों में लड़ ले, ये कह रही है ममता बनर्जी। और ये भी कहा कि इंडिया, ये जो इंडी गठबंधन का नाम INDIA रखा गया, ये सुझाव तो तृणमूल का था, लेकिन सीपीएम ने इसको अप्रोप्रिएट कर लिया, लेफ्ट ने इसको अपने आड़े ले लिया और खींच लिया, और कैसा ऐसी भूमिका बांधी गई जैसे कि लेफ्ट और कांग्रेस ने इस नाम को सुझाया है। बहुत बड़ा झटका ये ममता बनर्जी का, बयानबाजी चलती आ रही है। आज सुबह न्याय यात्रा की शुरुआत और बंगाल पे पदार्पण से पहले राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की बातें होती रहती हैं लेकिन हम लोग साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना कि बंगाल में तो अब तृणमूल अकेला ही लड़ेगा। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবারও অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবারও জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলুটলি রং, মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলুটলি রং। आशिका बंगाल से जुड़ रही हैं, अमित पांडे, चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं, अमिताभ सिन्हा भी जुड़ रहे हैं। आशिका, सबसे बड़ी बात, आप बंगाल में हैं इसीलिए मैं पहले आपसे पूछूंगा, ममता बनर्जी का कहना कि इंडी गठबंधन से किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि हम न्याय यात्रा बंगाल ला रहे हैं, एज अ कटसी तो बता देना चाहिए था। काफी झल्लाई हुई लगी, गुस्साई हुई लगी ममता बनर्जी की, निरादर हुआ है हर पल। बिल्कुल आनंद, इसके पहले भी वो ममता बनर्जी हमलावर रही, उन्होंने कहा है कि मेरा निरादर होता है, सीपीएम पर आरोप लगाया है कि हर मीटिंग को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज साफ तौर पर हमलावर थी कांग्रेस पर। और ये कहा कि मेरे राज्य में, जैसे कि कल ही कुछ बिहार में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है, तो ये कहा कि प्रवेश कर रही है लेकिन मुझे इस बारे में कोई फोन नहीं आया, कर्टेसी के नाते भी एक फोन नहीं आया कि दीदी हम आपके राज्य में आ रहे हैं, जबकि मैं इंडी गठबंधन का अब भी हिस्सा हूँ। तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पहले दिन ही हमने उनको प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, इसलिए अब हम निर्णय करते हैं कि हम अकेले ही चुनाव मैदान में लड़ेंगे, चुनाव के बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन चुनाव के मैदान में अकेले ही उतरेंगे। तो बड़ा झटका ये ठीक उसके पहले, जबकि राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में घुसने वाली है। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी रैली को लेकर के पश्चिम बंगाल में घुस रही है और दूसरी तरफ ममता का उनको बड़ा झटका मिलता है। आनंद जी, बहुत बड़ा झटका मिला है ममता बनर्जी का कहना। अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, इसका क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा? लाइव हैं हम आपके साथ, अमिताभ बताइए स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गठबंधन में इस तरह का खलल, वहाँ नीतीश बाबू रामलला के जय गुणगान कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने पर नरेंद्र मोदी जी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कांग्रेस लड़ ले 300 सीटें बंगाल में तो 42 के 42 हम ही लड़ेंगे, और सीपीएम पे पूरी तरह से हल्ला बोल कर दिया है उन्होंने। आनंद, दो चीज़ें साफ है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपावली पूरा देश मना रहा है लेकिन पटाखे और बम ममता दीदी ने फोड़ा है, पहला। दूसरा,
अगला बम जो फूटने वाला है हो सकता है बिहार में फूटे, इसीलिए उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने उसके बारे में भी लगता है पूरा होमवर्क किया जा चुका है और नीतीश जी गवर्नर से भी मिल चुके हैं, क्या पका है अभी कोई नहीं जानता। अब आगे ममता बनर्जी की बात, राहुल की यात्रा प्रवेश कर रही है और एक चीज आनंद पूरी तरह से साफ हो रही है जो तमाम गठबंधन के साथियों को, कि कांग्रेस अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहती, उनको लग रहा है कि उतनी ही सीटों पर लड़े जिसमें वो लड़ती आई है, वो उनके गठबंधन को गवारा नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ झुकने को तैयार दिख रहा है और उनके वोट परसेंटेज लगातार अल्पसंख्यकों में बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी भले ही ओबीसी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हों, पिछड़ों की बात कर रहे हों, लेकिन ये जो अल्पसंख्यकों का कांग्रेस की तरफ झुकाव है, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी को भी मंजूर होगा, वामपंथी दलों को भी मंजूर होगा जो केरल में शासन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मंजूर होगा तमिलनाडु में भी स्टालिन जी की सरकार को, मुझे नहीं लगता ये मंजूर होगा नीतीश कुमार की सरकार को। तो मुझे लगता है एक वोट बैंक की चिंता है और दूसरा कांग्रेस का जो बड़े भाई वाला व्यवहार है, वो सुनते नहीं है किसी की, ये दो समस्याएं हैं जो मुझे लगता है दूर करें आनंद ममता दीदी को। जी आप बने रहिए, अमित पांडे और चंद्रमोहन के पास जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। चलिए एक रिएक्शन प्ले करेंगे, उससे पहले जरा अमित पांडे आशिका के पास अपडेट है। जी आशिका बताइए। एक तरफ कांग्रेस की रैली घुस रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना अपने आप में बड़ा झटका है। फिलहाल जो आपको बताएं कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन और इसके न्याय यात्रा के पोस्टर फाड़े गए हैं। आशिका ये तस्वीरें देख रहा हूं मैं, ये पोस्टर्स कहां फाड़े गए हैं, तो यानी कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अब विरोध होगा खुल करके इस न्याय यात्रा का। बिल्कुल, कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं परसों की, जबकि ये साफ नहीं था कि ये गठबंधन टूटने वाला है, तब की ये घटना है। कांग्रेस की तरफ से कोई नेता बाहर आकर के मुखर होकर के नहीं बोल रहा था, लेकिन अब जब टीएमसी ने घोषणा कर दिया ममता बनर्जी ने कि वो अपने राह पर अकेले चलेंगी, तो संभव है कि इसे लेकर के भी अब कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई जाए। हालांकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई है, जहां पर कूच बिहार जहां सबसे पहले ये रैली राहुल गांधी की पहुंचने वाली है न्याय यात्रा का, ये पोस्टर्स बताए जा रहे हैं ये परसों फाड़ दिए गए थे। अगर परसों फाड़ दिए गए थे तो क्या परसों ही ये निर्णय ले चुकी थी ममता बनर्जी, क्योंकि तब भी इनका बयान आया था उस वक्त कि कांग्रेस 300 सीटें लड़ ले, तब उन्होंने कहा कि देखिए लेफ्ट और कांग्रेस सब कुछ अप्रोप्रिएट कर रही है, क्योंकि इंडी ये इंडिया INDIA नाम भी तृणमूल ने सुझाया था, इंडिया का सुझाव हमने दिया था, लेकिन इसको अप्रोप्रिएट उन्होंने कर लिया, ये भी कहकर के ममता बनर्जी काफी दुखी लग रही थी उस वक्त। तो परसों ही फैसला ले लिया गया था। आनंद आपको याद दिला दूं कि जो डेडलाइन दी गई थी गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करने की, वो 31 दिसंबर थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे थे, ममता की तरफ से बयान आ रहे थे, सीपीएम तो पर तो खुलकर हमला बोलने लगी थी, लेकिन कांग्रेस पर दब जमान में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें कांग्रेस से सवाल पूछा था कि असम के एक छोटे से चुनाव में तो हमारा वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में किस आधार पर आप हमसे इतनी सीटें मांग रहे हैं। तो दो सीटों की जो बात थी जो कि कांग्रेस को गवारा नहीं थी, रंजन अड़ियल नेता है वो खुलकर बोल रहे थे, एक तरफ टीएमसी कोशिशों में थी कि कोई बातचीत हो जाए, लेकिन आज ममता ने साफ किया कि ये बिल्कुल गलत बात है, कोई बात ही नहीं हुई हमारी, हमने उनको डेडलाइन जरूर दी थी लेकिन वो उन्होंने शुरू में जो मना कर दिया उसके बाद कोई बात नहीं की, तो दो सीटों पर बात नहीं बनी। और ठीक इसके पहले कि राहुल गांधी अपनी, देखिए 42 सीटें आशिका बहुत बड़ी बात है, 42 सीटें हैं जिसमें पिछली बार बीजेपी 18 और 22 का टोटल आंकड़ा था,